हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनोफॉस्फोरस या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में। इन पॉइजनिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे। हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं पॉइजनिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये जो पॉइजन है वो कैसे अपना पॉइजनस इफेक्ट शो करता है। और जब हम बात कर ही रहे हैं पॉइजनस इफेक्ट की, तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस पॉइजनस इफेक्ट को नलीफाई करने वाले जो एंटीडोट हैं उनका एग्जाम्पल के रूप में एट्रोपिन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती कैसे है, दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को नलीफाई करने के लिए जो एट्रोपिन यूज करेंगे वो काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चलिए देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और साथ ही साथ उनको ठीक करने वाले जो एट्रोपिन है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक न्यूरोन। न्यूरॉन हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसका काम एसिटाइलकोलाइन जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने में उनकी मदद करना है। तो जो अगर ये न्यूरॉन है, इनको मैं साइनेप्स के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं इनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। एक होता है प्री साइनेप्टिक और दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये जो आप नर्व देख रहे हैं ये प्री साइनेप्टिक है और ये जो नर्व का टाइप है ये है कोलिनर्जिक न्यूरॉन। क्योंकि आपने देखा ये जो हमारा पॉइजनिंग है ऑर्गेनोफॉस्फेट का, ये आपके कोलिनर्जिक सिस्टम पे अफेक्ट करता है। सो दिस इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन का बनना स्वाभाविक है, तभी तो उसका नाम पड़ा कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये रहा एसिटाइल को ए और साथ में आगे जाकर के कोलैबोरेशन होगा इस एसिटाइल को ए का आपके कोलिन के साथ। तो इस तरफ से आपके लेफ्ट साइड से आप देख पा रहे हैं एसिटाइल को ए आया और आपके राइट साइड से कोलिन आए। तो ये एसिटाइल को ए और कोलिन दोनों मिलकर के बनाएंगे हमारे लिए एसिटाइल कोलिन। लेकिन इस एसिटाइल कोलिन के बनाने में हमें मदद करनी पड़ेगी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की। ये जो आपका एंजाइम है वो इनके बनने के प्रोसेस में मदद करेगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप रेड का आता हुआ दिखाई दिया। ये है हमारा एसिटाइल कोलिन और ये जो एसिटाइल कोलिन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में। आगे क्या होगा ये भी देखिए। इस तरीके से काफी मात्रा में एसिटाइल कोलिन बनते जाएंगे और जब ये एसिटाइल कोलिन बनने लगेगा तो ये एक वेसिकल में स्टोर होंगे। ये जो वेसिकल है यहां पे आपके एसिटाइल कोलिन को स्टोर करने का काम करेगा। जब कभी भी इस तरह के स्टिमुलस आएंगे तो इन्हीं स्टोर हुए एसिटाइल कोलिन से अल्टीमेटली हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होना स्टार्ट करेगा और अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा, ऑक्यूपाई होगा और अपने रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड फंक्शन को स्टार्ट करेगा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। आगे का स्टेप ये कहता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन साइनेप्स पे अपने बना हुआ है वो क्या करने वाला है, रिलीज होने वाला है। ये रिलीज क्यों होते हैं, जब कभी भी कोई नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं उनके रेस्पेक्ट में ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं। सो दिस एसिटाइल कोलिन विच इज बीइंग रिलीज बाय कोलिनर्जिक न्यूरॉन, अब इसका काम क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोलिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, या यूं कहूं कि ये एक सिग्नल है और ये सिग्नल किसी काम का नहीं है जब तक ये अपने टारगेटेड रिसेप्टर पे जाकर के ऑक्यूपाई नहीं होता। जब तक ये सिग्नल अपने रिसेप्टर के साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर देता आपको इसका कोई भी एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। सो ये जो एसिटाइल कोलिन है वो आगे बढ़ने लगता है और आपके इस साइनेप्स पे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आके जाकर के बाइंड होगा। इसके बाइंड होने के लिए दो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर हैं। ये आपके दो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर कौन कौन से हैं यहां पे मैं आपको समझाऊंगा भी। ये है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब दो चीजें मैंने आपसे कही थी, एक प्री साइनेप्टिक कहा था और ये देखिए यहां पे पोस्ट साइनेप्टिक है। साइनेप्स का मतलब होता है जहां पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिजिकली कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इस जंक्शन के ऊपर का जो पार्ट होगा तो वो कहलाएगा आपका प्री साइनेप्टिक और उस जंक्शन के बाद का जो होगा वो कहलाएगा आपका पोस्ट साइनेप्टिक। सो दीज आर टू पर्टिकुलर रिसेप्टर और इन दो पर्टिकुलर रिसेप्टर के नाम क्या है, पहला है आपका निकोटिनिक, क्योंकि आपने बोर्ड में देखा हो या देखने वाले हैं कि इनके रेस्पेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से अलग अलग सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज निकोटिनिक एंड द सेकेंड वन इज मस्करिनिक।
तो निकोटिनिक हो या मस्किनिक हो, इन पे अगर आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट आकर के बाइंड करेंगे तो उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली आपको उनके सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये रहे रिसेप्टर्स के बारे में जानकारी। अब देखिए ये जो एसिटाइलकोलाइन बना हुआ था ना, कैसे ये आकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई होने वाले हैं। ये एक हिस्सा आके आपके निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइलकोलाइन आते रहेंगे अपने वेसिकल से और बाइंड होते रहेंगे अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे। ये निकोटिनिक पे बाइंड हो गया, अब वैसे ही आपके मस्किनिक पे भी बाइंड होगा। ये निकोटिनिक पे बाइंड होने पे निकोटिनिक का असर देखने को मिलेगा, मस्किनिक पे बाइंड होंगे तो मस्किनिक का असर देखने को मिलेगा। ये आकर के बाइंड हो गए। अब हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है ना, वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि इनके काम खत्म हो जाने के बाद यानी कि नर्व के एक्साइटमेंट हो जाने के बाद इनको एक स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड कोलिनेस्टरेज, इनकी मदद से इनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन आगे आप देखेंगे तो ये रिमूव होता किसकी वजह से है, कोलिनेस्टरेज की वजह से। किसमें कन्वर्ट होते हैं ये, आगे जाके एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनको कन्वर्ट करने वाला जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये है कोलिनेस्टरेज। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसके लिए इस कोलिनेस्टरेज का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजन है वो इसी कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देते हैं। जिस कोलिनेस्टरेज का काम था एसिटाइलकोलाइन को डिग्रेड करना, उसी को इनहिबिट करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो अब क्या होगा भैया, जो उनको स्प्लिट करने का काम करता था वो नहीं रह गया। इसके कारण से जो एसिटाइलकोलाइन है इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे और इसके कारण से ओवर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये अब तो नहीं रह गए क्योंकि इनको ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनहिबिट कर दिया। यूं देख लीजिए, अगर नहीं कर रहे होते तो ये एसिटेट और कोलिन वापस से जाकर चले जाते और एसिटाइल को ए में जो कोलिन है उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनोफॉस्फेट के कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये यहां पे ध्यान देंगे जहां पे मैं टिक कर रहा हूं इस पॉइंट पे, अगर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग नहीं हुई होती तो ये जो आपके कोलिनेस्टरेज हैं वो रेस्पेक्टिवली निकोटिनिक और मस्किनिक रिसेप्टर पे बाइंड हुए एसिटाइल कोलिन को इस तरीके से डिग्रेड कर रहे होते। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, आप देख सकते हैं डिग्रेड होता हुआ, ये डिग्रेड कर रहे होते और उनका जो एक्शन था वो एक्शन देने के बाद यानी कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन देने के बाद वो एक्शन डिसअपीयर हो जाता। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली अ विलन इज एंटरिंग। यहां पे देखिए एंटी कोलिनेस्टरेज इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, एंटी कोलिनेस्टरेज इफेक्ट, किसके द्वारा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के द्वारा। ये क्या करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये आगे जा करके इसी एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट करने वाले कोलिनेस्टरेज को ही इनहिबिट कर देंगे, और कोलिनेस्टरेज इनहिबिट हो जाएगा तो जो आपके निकोटिनिक और मस्किनिक रिसेप्टर पे आपके एसिटाइल कोलिन बाइंड थे वो बाइंड के बाइंड ही रहेंगे, उनकी अधिकता हो जाएगी और एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहां पे दोबारा देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो एसिटेट और कोलिन कन्वर्ट हो रहे थे कोलिनेस्टरेज की वजह से ये गए, ये अब यहां से जा चुके हैं क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनको इनहिबिट कर दिया। इनके जाने की वजह से अब वापस से आपके निकोटिनिक और मस्किनिक रिसेप्टर पे आपके एसिटाइलकोलाइन बाइंड हो गए। अब इसको ध्यान से देख रहे हैं ना आप, दोबारा आके बाइंड हो गए, तो इनका जो एक्शन था रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने के कारण से वो कंटिन्यू हमको एक्सेसिव मात्रा में देखने को मिलेगा। यही तो कारण है इनकी पॉइजनिंग का। अब ये प्रॉब्लम वाला मैकेनिज्म एक्शन हो गया, पॉइजनिंग की मैकेनिज्म एक्शन हो गई, ऑर्गेनोफॉस्फेट के रेस्पेक्ट में मैकेनिज्म एक्शन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं यहां पे आपको समझाने के लिए एट्रोपीन को। ये जो एट्रोपीन है वो आपका कोलिनेस्टरेज के इफेक्ट को शो करेगा, यानी कि ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा। अब ये क्या करने वाले हैं, कोलिनेस्टरेज का काम क्या था, एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट करना, अब वापस से यही चीज होगी जैसे पहले हुआ करता था, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट के आने के पहले का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा था, नॉर्मल जो प्रोसेस हो रहा था वही वापस से रिस्टोर हो जाएगा। यही है हमारे एट्रोपिन के काम करने का तरीका। अब देखिए क्या होगा, ये जो एट्रोपिन है वापस से इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आपके कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और ये देखिए वापस से जो एसिटाइलकोलाइन है वो डिसअपियर हो रहे हैं। यही तो था, यही तो हो रहा था पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट के आने के पहले। ये है इनके काम करने का तरीका। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।